नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक इसी कैट चैनल प्रोग्रामिंग चैनल में। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम मोल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, मोल्ड वाली ही श्रृंखला को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। पहले हमने एक सिंपल सा मोल्ड लिया था क्योंकि एक्सटेंशन बोर्ड का था। आज जो हम मोल्ड करेंगे वो एक थोड़ा सा है, थोड़ा सा बड़ा मोल्ड है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ किस चीज़ का है। एक डस्ट पैन है हमारे पास, उसका मोल्ड हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उसको मोल्डिंग करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा जो पुराना हमने उसके लिए सबसे पहले जाते हैं एप्लीकेशन में और यहाँ से हम मोल्ड ऑन कर लेंगे। पीस हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज प्रोजेक्ट। इसके अंदर आपको मटेरियल जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा मटेरियल है। यहाँ पे हमारे पास लाइन मोल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास मोल या लाइब्रेरी पड़ी है तो आपके बहुत सारे मटेरियल आ जाएंगे। जिस भी मटेरियल का आप बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। श्रिंकेज का ऑप्शन आपको दे रखा है, वो अकॉर्डिंग टू मटेरियल होता है कि जो आप श्रिंकेज में देना चाहते हैं, जिस मटेरियल का आप रिडक्शन बनाना चाहते हैं उसके लिए श्रिंकेज अलाउंसेज आप यहाँ पे देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। इसको जैसे मैं ओके करूँगा ये मेरा मोल्ड जो है वो खुल जाएगा। अब मोल्ड में क्या होता है कि बहुत सारे पार्ट आपके खुल जाएंगे। देखिए इतने पार्ट आपके ऑटोमेटिकली खुल गए। अब ये हमारा पार्ट है जिसका हमने मोल्ड बनाना है। तो सबसे पहले तो वैसे हम पार्ट वैलिडेशन करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ मॉड्यूल्स की ज़रूरत होगी। तो वो जैसे यहाँ पे आप गेट लगा के उसकी फ्रंट फ्लोर में देखते हैं, वो देख सकते हैं, पार्ट वैलिडेशन कर सकते हैं। इसमें आप ओल्ड पार्ट की कैसी क्वालिटी है वो बता सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ड्राफ्ट एंगल दो जगह पे है तो आप देख सकते हो ड्राफ्ट एंगल यहाँ पे, अगर आपने चेंज करना है तो आप कर सकते हो इसको। अब सबसे पहला काम क्या होता है, मोल्ड का कोऑर्डिनेट सिस्टम। मोल्ड का कोऑर्डिनेट सिस्टम ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए कि प्रोडक्ट बॉडी सेंटर पे ऑटोमेटिकली आ रहा है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप इसको इस तरह से देखें तो आपके सामने वो स्ट्रेट पार्ट जो है आपका वो आना चाहिए। स्ट्रेट पार्ट क्यों आना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमारा क्या होता है, ये जो पीस रहेगा हमारा वर्क पीस रहेगा वो स्ट्रेटली कट होगा। अगर उसको टेढ़ा मेढ़ा कट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उसको फिर मशीन करना आसान हो जाता है। अगर वो स्ट्रेट कट होता है तो उसी के अंदर वो कैविटी जो है वो जनरेट करनी होती है। तो हमने आप इसीलिए इस तरह से आप देख लीजिए कि जो स्ट्रेट पार्ट है उसी के ऊपर आप अपना उसी के पैरेलली अपना जो है एक्स वाई प्लेन को रखिए। सेकेंड थिंग आती है श्रिंकेज, यहाँ पर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास श्रिंकेज है तो आप श्रिंकेज यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे देता हूँ 0.2 के चुन के सपोज मैं दे देता हूँ तो ओके करूँगा तो वो पार्ट मेरा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब बारी आती है वर्क पीस की। तो वर्क पीस ऑटो ये एनएक्स जो है ऑटोमेटिकली आपको क्रिएट करके देगा। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो वो वर्क पीस इसने दे दिया है -50 -50 दोनों साइड को बना के आपको दे दिया। ओके कर दो, यहाँ पे आपका ये वर्क पीस तैयार हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आप कैविटी लेआउट में आप लेआउट सेक्शन आप बना सकते हो। आपको फिर बताना है कि किस साइड को आपको ये लेआउट चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस साइड को दे देता हूँ और डायरेक्शन वर्ली साइड को दे देता हूँ और इसको बना। तो आप क्या करेंगे, काम आप एक ही पे करेंगे लेकिन आपके चार जो है वो मोल्ड यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये गलत साइड बन रहा है इसीलिए इस साइड तो कैंसिल कर देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है हमारे इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे था स्पेसिफाई वेक्टर इस साइड को और ओके और इसको कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये मोल्ड यहाँ पे टूल बन गया। अब आगे चलते हैं, आगे पहला काम हमारा होता है जो हमारा है चेक रीजन्स।
तो चेक रीजन में हम बेसिकली देखते हैं कि कौन सा पार्ट हमारा कोर रीजन में आएगा, कौन सा पार्ट कैविटी रीजन में आएगा। उसके लिए पहले आपको ड्रॉ डायरेक्शन बतानी पड़ती है। तो ड्रॉ जैसे कि अगर मेरी जेड एक्सिस की तरफ है तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मैं कैलकुलेट करूँगा यहाँ पे मेरे को फेसेस में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ आपके ये देखो रीजन में जाओ और यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो ब्लू कलर में पार्ट है वो आपका कौन सा पार्ट है, कोर रीजन है, और जो कैविटी पार्ट है वो आपका ऊपर आ। ओके, तो ये तरह से आप देख सकते हो। और इसके बाद हम क्या करते हैं, अब सेकेंड बात आती है हमारी पैच सरफेसिंग की। जो भी ओपन पैचेस हैं उनको क्लोज करना पड़ता है हमें ताकि कोर एंड कैविटी आसानी से। ओके, एंड देन अब चलेंगे हम थर्ड पोर्शन जो है हमारा डिफाइंड रीजन का। डिफाइंड रीजन में जाओ, यहाँ पे देखिए अनडिफाइंड केसेस हमारे जीरो आ रहे हैं। कैविटी में हमारा ठीक पार्ट है, कोर में भी पूरे पार्ट है, तो अनडिफाइंड केसेस आपके जीरो ही आने चाहिए। अगर वो हमारे कुछ फेसेस आते हैं तो उनको हमें कैविटी या कोर में डिवाइड करना पड़ता है, तो उसको मैं करता हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ पे रीजन क्रिएट हो गए हैं और साथ में नीचे कटिंग लाइन भी जनरेट हो गई है। अब बारी आती है चूज़ करूँ तो नहीं बन रहा है। ट्रिम एंड एक्सटेंड में कैविटी रीजन और कोर रीजन दोनों में कुछ नहीं दिखा रहा है। और उसके बाद ये वाले रीजन में इसमें भी आपका कोई पार्ट नहीं बन रहा है। ठीक है, कोर रीजन में आप डिफाइन करेंगे तो देखिए बन तो रहा है लेकिन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो फिर वो हमारा नहीं चलेगा इसमें। तो इस केसेस में आपको क्या करना होता है, तब आपको पार्टिंग सरफेसेस जनरेट करनी है। उसके लिए आपको पार्टिंग सेगमेंट जो हों उनको एडिट करना पड़ता है। तो एडिट कैसे करेंगे, इसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पर। इसमें फिर आप पार्टिंग लाइन को कैलकुलेट करोगे। पार्टिंग लाइन को मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे देखो हमें किस साइड को चाहिए, यहाँ पे सरफेस मेरा इस साइड को आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मेरा इस साइड को जाना चाहिए। ठीक, तो वो आपको डायरेक्शन यहाँ पे बतानी पड़ेगी आपको भी, किस साइड को आपको अपना सरफेस चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ को साइड को बनाता हूँ, यहाँ पे बन गया, ये वाला मेरा इस साइड को बन गया, ये भी इस साइड को आएगा। अब यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा, ये दोनों आपका इस साइड को जाएगा। ये वाला पोर्शन हमारा इधर हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे लेने के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे लूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये पार्टिंग लाइंस जो है वो सेगमेंट जो है वो जनरेट हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सारे पार्टिंग लाइन को जनरेट करके दिखाऊंगा। जैसे ये फर्स्ट जनरेटिंग है मेरी पार्टिंग लाइन, ये वाली है, इसको हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट की डायरेक्शन आप बताइए, डायरेक्शन मेरी उस साइड को जा रही है तो वो मेरे लिए ओके है, मैं ओके करता हूँ। ठीक है, अब सेकेंड वाली पे जाएंगे, सेकेंड पे भी एक्सपोर्ट करेंगे और डायरेक्शन मेरी सेम डायरेक्शन रहेगी क्योंकि मेरे को बाहर की साइड को सरफेस चाहिए।
थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी मुझे बाहर कोई चाहिए, तो ये भी सही जा रहा है, तो मैं ओके कर लूँगा। और फोर्थ वाला जो है इसके अंदर भी मेरे को इसी डायरेक्शन में चाहिए बाहर की तरफ, तो ये मैं ओके कर दूँगा। लेकिन जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपको इस लाइन के साथ ही चलना पड़ेगा, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे ये। तो फर्स्ट डायरेक्शन ये वाली रहेगी, सेकेंड डायरेक्शन आपकी ये वाली रहेगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे अपना। उसके बाद अगला पोर्शन है इसमें स्टेट स्कूट की है, हमें स्टेट परफेक्ट की है। अगले पोर्शन में हमें स्विप की है, तो यहाँ पे देखो स्वीप बन रहा है दोनों, तो दोनों साइड सेम सरफेसेस हमें जनरेट करना है। डायरेक्शन हमारी सही देख लेना है आपने, डायरेक्शन सही रहनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पहुंच जाएंगे स्टेप स्कूट है, यहाँ पे हो रहा है ट्राई कर देते हैं। अगला पोर्शन जो है वहाँ पे विस्तृत करना पड़ेगा, विस्तृत कर दिया मैंने, और यहाँ वाला जो पोर्शन है उसको भी आप क्या करेंगे एक्सट्रूड करेंगे, और जो लास्ट पोर्शन है आपका वहाँ पे आप विस्तृत करेंगे। ठीक है, तो कोई भी पोर्शन आपका खाली नहीं रहना चाहिए। ये हमारा जो है सरफेस यहाँ पे जनरेट हो गया। अब एक सेगमेंट रहती है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो था हमारा स्ट्रेट जा रहा है अप्लाई की, तो ये हमारा जो है पार्टिंग सरफेस हमने डिटेक्ट कर दी। ये सरफेस जो होता है ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए और ना ही इसके बीच में कोई गैप होना चाहिए। तो ये हमारा बन चुका है। इसके बाद ये सरफेस जो है यही एक हमारा काम आता है वर्कपीस को स्प्लिट करने के लिए। तो अब स्प्लिटिंग करते हैं वर्कपीस की, तो उसके लिए हमारे पास डिफाइन कैविटी एंड कोर यहाँ पे है, कैविटी रीजन यहाँ पे अप्लाई कीजिए। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि उल्टा हो गया, तो अगर आप इसको उल्टा करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये उल्टा हो जाएगा। इसके बाद कोर रीजन अप्लाई, ठीक है। अब हम जाएंगे विंडो में, और विंडो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए कैविटी पोर्शन आपको दिखेगा, राइट। उसके बाद आपको अगर देखना है तो कोर पोर्शन देखना है तो कोर पोर्शन आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से आपको लेआउट कर सकते हैं, ये देखिए ये आपका बस। इसको खोल के देखना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे असेंबलीज में जाएंगे और वो कंपोनेंट, पहले कंपोनेंट सिलेक्ट कर लीजिए, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया मूव कंपोनेंट, और इसको हम मूव करते हैं। तो आपके चारों के चारों कंपोनेंट जो है वो आपके यहाँ पे मूव हो जाए। अगर वैसे ही आपको दूसरा पोर्शन देखना है, ये दिया मैंने वो कंपोनेंट जो कैविटी वाला पोर्शन है वो देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे चारों का चारों का कैविटी पोर्शन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये सिंपल आपके बना सकते हो मोल्ड, जो सिस्टम है वो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो।
कोर एंड कैविटी हमने यहाँ पे आपको निकाल के निकाल दिया, तो इस तरह से हमारा ये बनता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के और भी वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहूँगा। धीरे धीरे हम इस पर एडवांस लेवल पर भी जाएंगे। अभी हम टाइप ऑफ मोड, कौन कौन से एडवांस मोड्स होते हैं उनके बारे में ही अभी पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम मोड के ऊपर भी जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आपको आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।